हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है पारस सैनी और आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन प्योर वेरिएंट के बारे में। पर्टिकुलर पेट्रोल 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ ये गाड़ी मिल जाती है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कैसी इसमें आपको पर्टिकुलर स्पेस मिल जाता है और इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो कितना आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब किसका वेटिंग टाइमिंग कितना है। बिना किसी देरी करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड यार बात करते हैं गाड़ी के प्राइस। तो फ्रंट में यार देख सकते हो इसमें आपको मिल जाती हैं DRL। वहीं अगर आप इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट लेते हो ना, यहाँ से आपको प्रॉपर कनेक्टेड DRL देखने के लिए मिल जाती हैं। इसी के साथ यहाँ देख सकते हैं आपको मिल जाता है टाटा का लोगो। स्किड प्लेट वगैरह कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलती। और सबसे अच्छी चीज यार इसमें आपको मिल जाती है बेस मॉडल से LED हेडलैम्प। यार मानना पड़ेगा टाटा बेस मॉडल में आपको LED हेडलैम्प ऑफर कर रहे हैं। यार साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी रहने वाली है। यार ये देखो आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, व्हील आर्चेस आपको काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। व्हील कवर्स एज एन एक्सेसरी लगे हुए हैं ब्लैक पेंट होने के बाद, अदरवाइज इसमें आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं सिल्वर कलर में। टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो इसमें मिल जाती है आपको 195/60 R16। बेस मॉडल से ही इसमें आपको 16 इंचेस के टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। 2498 mm का इसमें मिल जाता है आपको व्हील बेस एंड बेस्ट इन सेगमेंट मिल जाता है इसमें आपको साउंड क्लियरेंस 209 mm का। यार इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इस गाड़ी को आप जहां मर्जी वहां ले जाओ, ये गाड़ी नहीं रुकने वाली है। रियर में चलते हैं एंड गाड़ी का रियर प्रोफाइलिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले यार देखो इसमें मिल जाती है आपको बेस मॉडल से ही कनेक्टेड टेल लैंप, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। वाइपर वॉशर डिफॉगर की आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, बट हाँ एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर था, वाइपर यहाँ पे नहीं मिलता इसका, इसका वाइपर यहाँ पर आता है अगर आप इसका पर्टिकुलर ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं तो। यह मिल जाता है इसमें आपको टाटा का लोगो, नेक्सॉन की बैजिंग, तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड ये कुछ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आपको याद दिलाएंगे ग्रैंड विटारा की। पीछे का लुक कुछ ऐसा रहने वाला है, किसी भी तरीके कोई एंटीना रूफ रेल्स वगैरह कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलती। बात करते हैं यार इसके इंजन के बारे में, तो चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में आगे। तो यार देखो टाटा नेक्सॉन पहली ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 out of 5 star की सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी थी एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए। तो सबसे पहले इसका हुड ओपन कर लेते हैं, बोनट यार एक बार इसको ट्राई करके देखना, यार काफी ज्यादा हैवी बोनट है। इसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यार किसी भी तरीके कोई कॉस्ट कटिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आपको इंसुलेशन भी मिल जाता है बेस मॉडल से ही, बहुत सारी गाड़ियों में आपको ना ये भी देखने के लिए नहीं मिलता। 3 सिलेंडर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है। पावर प्रोड्यूस करता है ये अराउंड आपकी 120 PSP एंड इसमें आपको मिल जाता है 170 Nm का टॉर्क। और यार इसका जो टर्बो एक्टिवेट होता है 1750 RPM से एक्टिवेट हो जाता है। माइलेज की बात करें तो 17.44 ये आपको गाड़ी माइलेज देती है अकॉर्डिंग टू ARAI। बाकी डिपेंड करता है यार आपके चलाने के ऊपर, कैसा आपका ड्राइविंग प्लेजर है, कैसी रोड सिचुएशन है। तो यार देखो की ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की दोनों ही इसमें आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलती हैं और इसमें किसी भी तरीके की कोई सेंटर लॉकिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ से देख सकते हो आपको नॉर्मली इसको मैन्युअली ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ORVM से मैट फिनिश में है ब्लैक कलर में, LED टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक कलर के। इसमें आपको डोर हैंडल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड अमेजिंग यार फ्रंट दोनों इसमें आपको पावर विंडोज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसमें आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, ये एज एन एक्सेसरी का पार्ट है अगर आप इसे लगवाना चाहते हैं तो। तो यार चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके बेस मॉडल में। तो चलते हैं यार, सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग की। यार स्टीयरिंग कॉलम इसमें आपको ओनली टिल्ट फंक्शन के साथ आपको देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से। डोर कर लेते हैं बंद, 5 star सेफ्टी रेटिंग आती है तो देखो यार कैसी फील आती है, एक्चुअल में फील आती है यार। इंटीरियर कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड टाटा ने अब जो इसका नेक्सॉन का लोगो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया, आपको यहाँ स्टीयरिंग पे दिखता ही नहीं है। कब दिखेगा, जब आप इसके इग्निशन को ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो यार ऐसा कुछ इसमें आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ट्विन स्पोक इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग के साथ एंड यहाँ पे कुछ आपको फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है
ऐसा कुछ इंटीरियर आपको देखने के लिए मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम ये एज एन एक्सेसरी इसमें इंस्टॉल्ड करवाया हुआ है। इंटीरियर कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैनुअली एसी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले यार देखो, 3 सिलेंडर इंजन है तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो इसमें आपको मिलती है। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्टिकुलर इस पे आपको कितनी वाइब्रेशन फील होती हैं। तो देखो यार, मैंने क्लच दबा लिया है एंड गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, किसी भी तरीके की ना आपको इसमें कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। इवन आप कार भी जैसे स्टार्ट कर रखी है और मैंने हाथ भी रख रखा है ना, तो मेरे को किसी भी तरीके की इसमें कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है। यहाँ इसमें मिल जाते हैं आपको ड्राइव मोड्स। ड्राइव मोड को हमारे को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमारे को आर्मरेस्ट को करना पड़ेगा डाउन। ये देखिए, यहाँ से आपको इसमें शो हो जाएगा स्पोर्ट्स मोड, ये इको, ये सिटी, कुछ इस तरीके से आपको इसमें मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डिफरेंट तरीके से आपको डिफरेंट मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे भी आप इसको चलाना चाहते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कहाँ से ओपन होता है यार ये, कि यहाँ से ओपन होता है कुछ इस तरीके से। ये देखो यार, काफी ज्यादा डीप ग्लव बॉक्स है, कुछ ऐसा रहने वाला है यार इसमें ग्लव बॉक्स। एंड इसको कर देते हैं बंद, किसी भी तरीके का कोई इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं आता। इल्यूमिनेटेड इसमें आपको ग्लव बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको IRVM मिल जाता है, डे नाइट IRVM इसमें आपको किसी भी तरीके का नहीं मिलता। यहाँ आपको मिल जाती है इसमें रीडिंग लैंप्स जो कि LED है कम्प्लीटली। एंड इसमें आपको पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइविंग साइड सनशेड की बात करें तो इसमें आपको ओनली टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है इसमें आपको वैनिटी मिरर। ग्रैब हैंडल्स इसमें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफी अच्छी क्वालिटी है यार। ये देखो, बड़े प्यार से ये आपके जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट एंड मैं इस गाड़ी के फ्रंट में बैठा हूँ। इस गाड़ी की सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस मिल जाता है। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है। नी रूम मेरे को कुछ ऐसा मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी डिसेंट है। एंड हेड रूम की बात करें तो काफ़ी बढ़िया मेरे को इसमें हेड रूम मिल रहा है। मैं पीछे की रो में चलता हूँ, पीछे की रो में आपको स्पेस दिखाता हूँ इसमें आपको कैसा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो गाड़ी कर लेते हैं बंद एंड चलते हैं गाड़ी में यार पीछे की साइड। तो थोड़ा सा सामान रखा हुआ है यार गाड़ी में, गाड़ी के सामान को थोड़ा सा कर देते हैं साइड। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ कॉर्नर वाली सीट पर एंड दिखाता हूँ इसमें आपको कैसा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। मेरी हाइट के अराउंड फ्रंट वाली ड्राइविंग सीट एडजस्ट है एंड ऐसा कुछ मेरे को नी रूम मिल जाता है कुछ। ये देख सकते हैं इतना मेरे को कुछ नी रूम मिल रहा है। और सबसे अच्छी इंप्रेसिव चीज जो लगी यार मुझे, रियर सीट में लगा अंडर थाई सपोर्ट। काफी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। हेडरूम डिसेंट है, हेडरेस्ट आपके इसमें मिल जाते हैं, प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। एंड बाकी 3 जने यार इस गाड़ी में आप इजीली बैठ सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी है, मिडल वाले पैसेंजर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हम, यहाँ पे आपको कुछ फोन वगैरह या कुछ भी आप यहाँ पे सामान रख, किसी भी तरीके का इसमें आपको कोई जो चार्जिंग सॉकेट्स एंड AC वेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। एंड यार कुछ ये देखो, ये है एक पोर्टेबल आर्मरेस्ट जो कि पर्टिकुलर डिजाइन है टाटा नेक्सॉन के लिए, जिसकी फिट एंड फिनिश कुछ ऐसे रहने वाली है यार। ये देखो यहाँ पे ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट है, इस तरीके के इसमें कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, आप इसको यहाँ से ऐसे फिक्स कर सकते हैं। एंड कभी आप यहाँ का स्पेस यूज करना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। और यार इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको पड़ जाता है 499 रुपीज़ का, 499 रुपये का आपको मिल जाता है। एंड ऑल ओवर इंडिया ये आपको कोरियर हो जाएगा, कोरियर चार्जेस अलग है जो कि है 150 रुपीज़। तो यार 649 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। एंड ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट है और इसके साथ यार बाई बैक गारंटी है। कहने का मतलब अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आपको कोरियर चार्जेस डिडक्ट करके आपको पूरा पैसा इसका वापस मिल जाता है। ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि टाटा नेक्सॉन में प्योर क्रिएटिव एंड स्मार्ट मॉडल में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। तो आप उसके लिए अच्छा आर्मरेस्ट है विदाउट एनी किसी भी तरीके की, आपको कोई इसमें रेटिंग नॉइस नहीं आती है। एंड ये स्टिचिंग देख रहे हैं, ये स्टिचिंग ना आप अपने कलर के अकॉर्डिंग यहाँ स्टिचिंग भी चेंज करवा सकते हैं। तो रियर में चलते हैं यार, देखो रियर में चलते हैं एंड रियर में इसमें आपको दिखाते हैं इसमें बूट स्पेस कितना मिल जाता है। इसका बूट ओपन करते हैं, इसका बटन आपको आगे देखने के लिए मिल जाता है एंड बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। अब आपको 32 लीटर ज्यादा, जो पहले वाली नेक्सॉन से 32 लीटर ज्यादा है, पहले मिलता था 350 लीटर का, अब आपको मिल जाता है इसमें 382 लीटर का। पार्सल ट्रे आप एज एन एक्सेसरी इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये 3-3 kg के 2 हुक इधर की साइड, 2 हुक इधर की साइड।
एंड इसी के साथ यार इसमें जो आपको मिल जाता है यहाँ से आप देख सकते हैं, स्पेयर व्हील की बात करते हो तो स्पेयर व्हील इसमें आपको मिल जाता है, सेम प्रोफाइलिंग जो आपकी बेस मॉडल के जो स्टॉक टायर आते हैं उसी साइज का आपको इसमें मिल जाता है स्पेयर व्हील। अब यार ये कहाँ से निकला है ये नहीं समझ आ रहा, कहाँ था यार ये, कहाँ निकला हुआ है ये, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताओ यार, ये यहाँ पे भी नहीं निकला हुआ, कहाँ निकला है ये। तो गाइस शॉक्ड मत हो, ये आगे आपका उसका निकला हुआ है जहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, तो ये उसका है, शॉक मत हो, कुछ भी नहीं निकला हुआ इसमें से। बात करते हैं यार इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी आपको एक्सशोरूम प्राइस 8,10,000 रुपए में आपको देखने के लिए मिल जाती है। कंपटीशन में इसके साथ की जो गाड़ी आती है वो है आपकी ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा की XUV 300 जो कि आने वाले टाइम में उसका भी फेसलिफ्ट आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अंडर सब 4 मीटर में जो भी कॉम्पैक्ट SUV आती हैं, इवन अब तो इसकी राइवल एक इसकी पंच भी हो गई है, भले चाहे वो थोड़ी सी छोटी है। बाकी आप कमेंट्स करके बताओ यार आपको टाटा नेक्सॉन कैसी लगती है। एंड यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, एंड चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, एंड जल्दी इस गाड़ी का आपको एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।